हाँ, कल मैंने आप लोगों को ये बताया था कि सर्वप्रथम हमें श्रद्धा युक्त होना है। श्रद्धा किसे कहते हैं? गुरु वेदांत तो वाक्येषु दृढ़ो विश्वासः श्रद्धा। शास्त्र वेद और गुरु की वाणी पर 100% विश्वास होना, इसका नाम श्रद्धा। मैंने आपको बताया था कि देखो, इतना बड़ा पापात्मा वाल्मीकि जो राम नहीं कह सका, अरे जब माँ और आप बोल सकता है, कोई आदमी गूंगा नहीं है तो राम क्यों नहीं कह सकता? आज 6 अरब आदमी हैं, इसमें करोड़ों नास्तिक हैं, लेकिन क्या ऐसा कोई आदमी आप ला सकते हैं कि रा बोल सके, मां बोल सके, लेकिन राम नहीं बोल सके, मरा बोल सकता है? कितना बड़ा पाप था कि राम नहीं बोल सका। लेकिन गुरु के वाक्य पर कितनी श्रद्धा थी। गुरु ने कहा, मरा मरा कहते रहो जब तक मैं लौट के ना आऊं। इसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं किया वाल्मीकि ने कि आप कब लौट के आएंगे। सारा शरीर उसका दीमक खा गए, लेकिन वो गुरु वाक्य पर डटा रहा। तो श्रद्धा माने, गौरांग महाप्रभु ने कहा, श्रद्धा शब्दे कहे विश्वास सुदृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय हो गुरु के वाक्य पर विश्वास का, वो है श्रद्धा। अब श्रद्धा की तमाम लिमिट होती है। आप लोग जितने बैठे हैं सब श्रद्धा रखते हैं, लेकिन किसी की श्रद्धा 20%, किसी की 50%, किसी की 90%। अभी कुछ अपनी बुद्धि लगाते हैं, कुछ बात गुरु जी की भी मानते हैं, कुछ बुद्धि अपनी भी लगाते हैं, इसलिए पूर्ण श्रद्धा अभी नहीं है। जिस दिन श्रद्धा पूर्ण हो जाएगी, बस फिर कुछ नहीं करना, शरणागति से ही सब कुछ मिल जाएगा, साधना की आवश्यकता नहीं। लेकिन साधना के बिना अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा 100%, और बिना अंतःकरण शुद्ध हुए 100% श्रद्धा नहीं होगी। इसलिए साधना भी आवश्यक है और श्रद्धा भी आवश्यक है, दोनों चीजें ठीक ठीक बैठे। देखो, ज्ञान कैसे होगा, इसका उत्तर तुलसीदास ने एक लाइन में दिया, गुरु बिनु होई कि ज्ञान। लेकिन यदि गुरु मिलई बिरंचि सम मूरख हृदय नचेत। एक और कहते हैं कि मूर्ख को ज्ञान नहीं होगा, यदि ब्रह्मा रूपी जगत गुरु मिल जाए तो भी। और एक तरफ कहते हैं कि नहीं, गुरु से ज्ञान होगा, गुरु बिनु होई कि ज्ञान। आगे फिर लिखा, ज्ञान की होई विराग बिनु। गुरु से ज्ञान तब होगा जब तुमको संसार से वैराग्य होगा, वैराग्य होने से श्रद्धा होगी, भूख लगेगी भगवान की। और संसार में जब आसक्त है तो वो भगवान की बात सुनना ही नहीं चाहेगा। हमारे देश में ऐसे ऐसे बड़े बड़े नेता लोग हुए हैं कि वो कहते थे कि देखो भाई, भगवान की बात मत सुनाना मुझको कभी,
नहीं तो हमारा पॉलिटिक्स बिगड़ जाएगा। सुनना नहीं चाहते तो वैराग्य नहीं है, तो श्रद्धा नहीं होगी, और श्रद्धा नहीं होगी तो गुरु क्या करेगा? गुरु कुछ समझाएगा और वो सुनने वाला हंसेगा। क्या बकबक करते हैं आप लोग, बाबा लोग, भगवान है और ये है और वो है। अरे जिनका दिमाग खराब हो गया, बाल बच्चों ने उनको बेकार साबित कर दिया, तो वो बूढ़े लोग जंगल में जाके डिप्रेशन में ये भगवान भगवान की कल्पना कर लिए है। और क्या है? कुछ नहीं, भस्मी भूतस्त देहस्त पुनरागमन कुता। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा करके घी पियो। मरने के बाद कुछ होना जाना नहीं है, न कहीं जन्म है, न मरण है, न भगवान है। ये सब बोलते हैं या सोचते हैं कौन? जिनको संसार से वैराग्य नहीं। इसलिए ज्ञान में दो रीजन, गुरु प्लस वैराग्य, यानी वो दवा भी सही हो और मरीज उसको सेवन करे, दो शर्तें हैं, तब बीमारी जाएगी। तो श्रद्धा प्लस गुरु की शरणागति, ये पहला काम। तो गुरु ते समझिए श्याम को, बंध अपनो प्यारे, गुरु ते समझिए श्याम को, संबंध अपनो प्यारे, संबंध अपनो प्यारे। करना है श्रद्धा युक्त होकर, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गीता कहती है कि शरण में जाओ और गुरु की सेवा करो तन मन धन से, और जिज्ञासु भाव से प्रश्न करो। क्या प्रश्न? श्री कृष्ण से, भगवान से हमारा क्या संबंध है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, क्या साधना है जिससे वे हमको मिल सकते हैं? ये दो प्रमुख प्रश्न हैं। इसी को गौरांग महाप्रभु ने कहा, वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन, कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम तीन महाधन। दो लाइन में सब कुछ कह दिया। हमारा संबंध श्री कृष्ण से ही है, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि हम उनके अंश है और प्रत्येक अंश अपने अंशी से ही प्यार करता है और उसी को पा करके परिपूर्ण होता है। इसलिए हमारा संबंध श्याम सुंदर से ही है, ये दृढ़ निश्चय हो, फिर उनसे मिलने की व्याकुलता। उनसे मिलना है, हमारा रिश्तेदार है,
अकेला एक वही रिश्तेदार है, दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता सुहृद गति, वेद कह रहा है, गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद, गीता कह रही है, मोरे सबई एक तुम स्वामी दीन बंधु उर अंतर्यामी। लक्ष्मण कह रहे हैं, अहम तावन महाराजे पितृत्वम नोपलक्षे भ्राता भर्ता च बंधुश्च पिता च मे राघवा, मैं दशरथ जी को बाप नहीं मानता, मेरे पिता मेरे भाई मेरे सर्वस्व राम है। ये आध्यात्मिक ज्ञान है। फिजिकल नाता दशरथ जी से हो कौशल्या से हो वो नश्वर है। तो इस प्रकार सब शास्त्र वेद कह रहे हैं कि श्री कृष्ण से ही हमारा संबंध है, ऐसा नहीं है उनसे भी है। देखो हमारे संसार में तो एक मां होती है, हाँ, एक बाप होता है, हाँ, एक बीवी होती है, हाँ, एक पति होता है, हाँ, और कुछ बच्चे होते हैं, इसको फैमिली कहते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं, देखो तुम जो तमाम लोगों को अलग अलग बनाए हो, माँ बाप बेटा स्त्री पति, इसमें बड़ा झगड़ा होता होगा। अरे भाई मान लो कि माँ कहती है बेटा पानी पिला दे और पिता कहता है जरा हमारा चश्मा ले आना, अब वो किसकी बात माने, बेचारा परेशान होगा। एक स्त्री से पति कहता है जरा वो पुस्तक ले आना, उसी समय उसका बाप कहता है जरा ये काम कर देना, उसकी सास कहती है जरा इधर आ ये काम कर दे, अब स्त्री परेशान किसकी बात पहले मानू। अगर पति की मानू तो पति का वो बाप है, वो पूज्य है, पति का भी उसका मानना चाहिए, और अगर उसके बाप का मानू तो यह भी गलत है, क्योंकि मां का स्थान बाप से ऊंचा होता है। पितु शतगुणा माता, तो पहले सास की मानू, लेकिन सास की कैसे मानू, वो सास का पति है ससुर, पहले उसकी मानू, पागल हो जाए एक औरत बिचारी क्या करे। तो भगवान कहते हैं देखो हमारे यहां ये सब चक्कर नहीं है, हम ही माँ है, हम ही बाप है, हम ही पति है, हम ही भाई है, हम ही बेटा है, सब हमको बना लो। संसार में तो नहीं बना सकते आप, बनाना तो दूर, अगर बोल दे मुंह से तो अकांड कांड खड़ा हो जाए, कोई स्त्री पति से कहे बेटा इधर आना, देखो फिर क्या हाल होगा। और भावना बनावे वो तो और बड़ा अपराध है, पाप है। लेकिन भगवान के यहां ये सब नहीं, त्वमेव सर्वम मम देव देव, भगवान ही हमारे सब कुछ है। यानी अनेक रिश्ते के लिए मन न भटके, ये रियायत किया भगवान ने हमारे लिए। संसार में जो त्योहार आते हैं, कोई भैया दूज आई तो एक भाई को हमें जरूरत पड़ी, तो जिसके भाई नहीं है वो कहता है मेरे भाई नहीं है मैं क्या करूं, भगवान ने नहीं दिया तो भगवान के नियम को काट के मैं जबरदस्ती एक भाई बना दूंगी, उसको धर्म का भाई कहते हैं। वो धर्म है तो अधर्म है, तुमने बनावटी बनाया है। इसी प्रकार बेटा नहीं है, है लिखा पढ़ी करके एक बेटा बना लूंगा मैं, भगवान ने नहीं दिया तो क्या हुआ, हम भगवान के नियम को काट के बाप बन जाएंगे। ये सब नाटक हमारे दुनिया वाले करते हैं। भगवान कहते हैं ये सब करने नहीं पड़ेगा तुमको, हमारे यहां सब कुछ हमको मान लो, एक एक सेकंड में चेंज करो, एक कन्हैया मेरा बेटा है इसलिए कह रहा हूं कन्हैया कनुआ इधर आ, और फिर हे श्याम सुंदर प्राण बल्लभ, लो पति हो गए,
हे पिता मेरे, प्रभु आ जाओ। यानी कोई वहां प्रतिबंध नहीं है, इतनी रियायत कर दिया भगवान ने। तो ये सब संबंध समझना होगा गुरु से, और फिर वो कैसे मिलेंगे ये साधना भी समझनी होगी गुरु से। अपनी अकल से तो कोई ज्ञान हो नहीं सकता। अरे संसार में का अक्षर है, ए, एक अक्षर का ज्ञान अपनी अकल से किसी को हुआ है आज तक? सबको टीचर की शरण में जाना पड़ा, उसने बताया ये का है, इसकी शक्ल ऐसी होती है, हमने मान लिया। अगर कोई लड़का वहां क्वेश्चन करता है इसकी शक्ल का की ऐसी ही क्यों होती है, इसको का ही क्यों कहते हैं, तो टीचर कहता है तुम जाओ नहीं पढ़ सकते। लो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, आप जवाब नहीं देते हो, कहते हैं तुम नहीं पढ़ सकते। हां तुमको मानना होगा, जो हम कहें मानो। नाइफ में पहले के लिखा जाएगा, लिखो, बोला नहीं जाएगा, साइलेंट है, चुप रहो। अजी साहब ऐसा कैसे, हमारी हिंदी में तो ऐसा नहीं होता। तुम्हारी हिंदी में नहीं होता तो हिंदी पढ़ना तो वैसा अपना समझना, इंग्लिश पढ़ना तो यहां प्रत्येक शब्द की स्पेलिंग रटनी पड़ती है। ये ऐसी लैंग्वेज है, हम रटते तब विद्वान बनते। अगर हम तर्क वितर्क कुतर्क करके और उसको न रटें तो फिर हम भाषा ज्ञान नहीं कर सकते। तो संसार में जैसे टीचर के आगे हम शरणागत हो करके भाषा ज्ञान करते हैं, डॉक्टर के शरणागत हो करके उसके बताई दवा खाते हैं, ऐसे ही ये सद्गुरु भी हमारा डॉक्टर है। इसलिए उसकी वाणी पर विश्वास करके जो साधना बतावे बस वही करना है। वो साधना जो बताएगा वो ऐसे बताएगा जो हम कर सकें, अगर सही गुरु है तो। अगर सही गुरु नहीं है तो फिर आपसे कहेगा देखो जी तुम ऐसा सोचो, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। अजी ऐसा कैसे सोचे, हमको न दमड़ी की अकल है न कोई पावर है। ब्रह्म तो उसे कहते हैं जो अनंत ब्रह्मांड को मुस्कुरा के बना देता है, अनंत ब्रह्मांड की रक्षा करता है, पालन करता है। अनंत ब्रह्मांड उसके एक रोम में घुस जाता है, इतना बड़ा उसका ऐश्वर्य है और सर्वव्यापक है वो। मैं कहां व्यापक हूं, इसी एक शरीर में व्याप्त हूं बस, अल्पज्ञ हूं, अल्प शक्तिमान हूं। हमारी गिनती तो एक कण के बराबर भी नहीं है भगवान के आगे, और तुम कहते हो कि तुम सोचो मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। तब ये साधना आप कैसे करेंगे? आजकल हमारे देश में खूब हो रहा है, ये सन्यासी लोग आपको बोलते हैं, मंत्र देते हैं कान में, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। ये महावाक्य है वेदों के, उसका अर्थ भी वो नहीं जानता। अगर जान भी ले तो मैं ब्रह्म हूं ये कैसे रियलाइज करे, क्योंकि वो जानता तो है कि मैं तो कितना नंबर एक का गधा हूं, मैं कैसा ब्रह्म हो जाऊंगा। उसको अपना अनुभव अपना पता तो है ही है। तो साधना भी ऐसी बताएगा जो हमारा वास्तविक गुरु होगा, जो हम कर सकते हैं। तो ये दो बातें, हमारा संबंध उनसे ही है और उनको पाने का उपाय यही है। इन दोनों पर विश्वास हो दृढ़, उसी का नाम श्रद्धा। तो साधना क्या है,